तो इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज कॉल्ड एज एग्रेरियन और रूरल इकोनॉमी, बट ये प्रोसेस ऑफ रूरल इकोनॉमी या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी एज वी हैव डिस्कस्ड इन लेक्चर कैन ट्रेस इट्स ओरिजिन टू द फ्यूडलिज्म। एंड फिर ये फ्यूडलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, देन वी हैव गॉट अ किंग, देयर आफ्टर एक मिडल मैन या फिर मिडल सेक्शन, एंड देयर आफ्टर वी हैव गॉट अ लैंडेड जेंट्री। ये लैंडेड जेंट्री डेवलप की थी अशोका मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम में, जब स्लेव्स एंड शूद्रास एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय किए गए थे। एंड देयर आफ्टर मिडल सेक्शन वॉज डेवलप फ्रॉम सातवाहना पीरियड ऑनवर्ड, एंड ये मिडल सेक्शन वॉज ऑब्वियसली ब्राह्मणा एंड क्षत्रिय था। एंड जब ब्राह्मण एंड क्षत्रिय मिडल सेक्शन होगा, देन ऑब्वियसली प्रोसेस ऑफ रिलीजन विल ऑल्सो क्रीप इन टू इट, एंड दैट्स वॉट यू कैन सी ओवर हियर। तो जो दो स्ट्रक्चर है, वन इज फनरल पायर एंड देयर आफ्टर अदर इज टेम्पल, हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द विलेज लाइफ स्टाइल इन इंडिया, बिकॉज ये मिडल सेक्शन जो है इसी के थ्रू आर्यनाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में फॉलो करता था। तो दोस्तों, इफ यू वॉन्ट टू नो सच काइंड ऑफ द थिंग्स इन डिटेल इन हिस्ट्री ऑप्शनल, देन डू जॉइन माई बैच विच आई एम लॉन्चिंग ऑन 2nd of January.